आज इतनी देर लगा दी आने में? क्या चाहती हैं आप? ना मिला करूं मैं उससे? तौबा है, मैंने ऐसा कब कहा? पता नहीं उसका मसला क्या है, शादी के नाम से भागता क्यों है। आप भी यही चाहती हैं ना कि मेरा मां से रिश्ता ख़त्म हो जाए, ताकि आप अपनी मर्जी के किसी लड़के से मेरी शादी करा दें। फॉर गॉड सेक, तुम अपनी माँ पे शक कर रही हो? मैं भला ऐसा क्यों चाहूँगी? और ज़रा बताओ ना मुझे, क्या कहा है अम्मार ने? तबीयत दुरुस्त ना करवाई तो कहना। छोड़े अम्मी, आप और मैं क्या चाहते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कब तक हम फोर्स कर सकते हैं अम्मार को वो करने के लिए जो वो करना चाहता ही नहीं है? अजीब इंसान है, इंगेजमेंट के बाद भी कोई शादी के बारे में एक्साइटेड कैसे नहीं हो सकता? और नया एक टेंटा लगाया हुआ है उसने आजकल, करियर बनाओ, अपना करियर बनाओ। भाई मैं क्यों अपना करियर बनाऊं? अच्छा, अमार कह रहा था? हाँ ना, उस दिन भी हमारी इसी बात पे बहस हुई है। जब देखो एक ही बात, आखिर उसको कमी क्या है? अंकल के पास इतना पैसा है, उसके पास इतना पैसा है, पता नहीं अमार को क्या इनसिक्योरिटी है। कभी शादी से भाग रहा होता है और कभी मुझे कहता है करियर बनाओ मुफ्त के मशवरे। अरे करियर बनाने का ये मतलब तो नहीं है कि वो शादी नहीं करना चाहता। क्या पता वो ये चाहता हो कि उसकी बीवी का एक नाम हो और वो उस पर फख्र कर सके। ये जो लड़के बाहर से पढ़ के आते हैं ना, उनको ये हाउस वाइफ टाइप की लड़कियाँ नहीं पसंद जो सिर्फ खाना पकाएं और बच्चे पालें। वो सिर्फ ये चाहता है कि उसकी बीवी की अपनी रिकग्निशन हो, उसका एक नाम हो, वो एक हाउस वाइफ ना हो बस। देखो बेटा, खुले जहन के मर्द अपनी बीवी को हमेशा एक मजबूत औरत के तौर पर देखना चाहते हैं। वो खुश होते हैं कि उनकी बीवी का एक बाइज्जत मकाम हो माशरे। कुछ समझी मेरी भोली बेटी? देखिए फातिमा फैंग आज रात 7 बजे। वो अपना शिकार जो ना जमीन से उठाता है तो समाजों में ले जाता है, और शिकार समझता है कि मैं फजाओं में उड़ा हूं। मैंने एक फैसला रखा है कि कल रात को निकाह की तारीख लेने आऊंगा। देखिए नया ड्रामा सीरियल बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।